हर क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ हटकर सोचते हैं और फिर उनकी यही अलग सोच उन्हें नई बुलंदियों पर ले जाती है। ऐसे ही एक शख्स है बैतूल का एक किसान नवनीत वर्मा, जिसने बैतूल जैसे परंपरागत खेती वाले इलाके में लाल रसीली स्ट्रॉबेरी की सफल खेती करके किसानों को एक नई राह दिखाई है। और स्ट्रॉबेरी की ना केवल खेती की बल्कि उसकी मार्केटिंग से भी नवनीत को अच्छी आमदनी हो रही है। बैतूल जिले में परंपरागत तौर पर सोयाबीन, गन्ना, गेहूं सहित वनोपज का उत्पादन होता रहा है, जिसमें किसानों को कई बार बड़ा घाटा हो जाता है। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बैतूल में स्ट्रॉबेरी की खेती हो सकती है। ये कारनामा कर दिखाया है बैतूल के किसान नवनीत वर्मा ने। नवनीत के मुताबिक साल दर साल बदलती जलवायु के बीच परंपरागत कृषि का विकल्प होना वक्त की मांग है और इसलिए उन्होंने ये प्रयोग किया जो सफल भी रहा। एक्चुअली ये आइडिया मुझे इससे आया कि यहाँ जो क्लाइमेट है, कुछ जहाँ पे हिमाचल जैसी जगहों में या महाबलेश्वर जैसी ठंडी जगहों में होती है, तो यहाँ भी क्लाइमेट उसी टाइप का है, तो उससे मुझे लगा कि यहाँ भी हो सकती है। और पिछले साल से मैंने स्ट्रॉबेरी के 350 पौधे गन्ने में इंटरक्रॉपिंग के रूप में लिए थे, इस बार 2000 पौधे लगाए हैं और प्रॉफिट लगभग बाकी फसलों से अच्छा है इसमें। और कैश क्रॉप है ये और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, 6 महीने में पूरी हार्वेस्ट होकर निकल जाती है बाहर। ये किसानों के लिए, बैतूल के किसानों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है नई क्रॉप के रूप में। ये फसल क्या शॉर्ट ड्यूरेशन है और मेहनत तो थोड़ी है इसमें, केयरिंग है, फसल है, थोड़ा केयर करना पड़ता है इसको, समय समय पे इसमें खाद पानी देना पड़ता है। और ऑर्गेनिक करते हैं तो हम ये वेस्ट डिकम्पोजर और गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट इसका यूज़ करके और नेचुरल पत्तियों के काढ़ों का स्प्रे करके इसको करते हैं फार्मिंग। नवनीत ने साल 2019 में स्ट्रॉबेरी के 300 पौधे लगाकर प्रयोग किया था जो सफल हुआ और इस साल तो उनके फॉर्म में स्ट्रॉबेरी के 2000 पौधे लगे हैं, जिनमें सुर्ख लाल रसीली स्ट्रॉबेरी देख लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। नवनीत को स्ट्रॉबेरी बेचने कहीं नहीं जाना पड़ता क्योंकि खरीदार उसके फार्म हाउस पर ही हाथों हाथ स्ट्रॉबेरी खरीद कर ले जाते हैं। तो अभी काफ़ी अच्छे बिक भी रही है, सेल भी हो रही है, 300 रुपये केजी अभी बैतूल में ही सेल हो रही है। अभी लगभग 40-50 केजी इसमें से निकल चुकी है, हार्वेस्ट हो चुकी है। थोड़ा मौसम की वजह से लेट ट्रांसप्लांटिंग हुई थी तो लेट चालू हुई है ये निकलना, बाकी अगर जल्दी ट्रांसप्लांट, ये सितंबर में ट्रांसप्लांट हो जाता प्लांट, तो काफ़ी लंबा ड्यूरेशन मिलता है इसको हार्वेस्ट करने का। प्रदेश सरकार भी उद्यानिकी फसलों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है और नवनीत जैसे किसानों की सफलता से जिले और प्रदेश के अन्य किसानों को भी एक नई राह मिल गई है। उद्यानिकी विभाग ने सफल प्रयोग को आगे तक ले जाने की योजना भी बना ली है। आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में उद्यानिकी की विभिन्न फसलों के विकास की संभावनाओं को देखते हुए उद्यानिकी विभाग के द्वारा कृषकों को पारंपरिक फसलों के अलावा विभिन्न तरह की नई उद्यानिकी फसलों की खेती करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कृषक श्री नवनीत के द्वारा पिछले वर्ष से स्ट्रॉबेरी की खेती बैतूल जिले में की जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है पूरी तरह से जैविक पद्धति से की जा रही है। पिछले वर्ष स्ट्रॉबेरी की लोकल में जो मांग थी उसको देखते हुए इस वर्ष उन्होंने इसका रकबा बढ़ाया है और इस साल भी बहुत अच्छी मांग है उनके स्ट्रॉबेरी की, जो कि उनके खेत से ही 300 रुपए प्रति किलो से स्ट्रॉबेरी बिक रही है। और कृषक श्री नवनीत को देखकर जिले के अन्य किसान भी स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर प्रोत्साहित हो रहे हैं, आगे चलकर स्ट्रॉबेरी की खेती का रकबा जिले में बढ़ जाएगा। प्रदेश का 85% स्ट्रॉबेरी उत्पादन महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में होता है और बैतूल जिले की जलवायु काफी हद तक इन्हीं इलाकों जैसी है, इसलिए भी स्ट्रॉबेरी उत्पादन को एक बड़ी सफलता मिली। किसान नवनीत वर्मा ने साबित कर दिखाया कि परंपरागत खेती से हटकर सोचना एक नई क्रांति ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवार न्यूज़, बैतूल।